हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीड द रेड टैग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बना सकते हो। लाइक कुछ इस चीज से अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए गेमिंग बैनर बनाना चाहते हो तो गाइस आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज के इस वीडियो में बहुत ही इजीली सिंपल एडिटिंग के साथ बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह से बैनर बना सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है, अगर आपका चैनल में कोई भी सबसे पहले विजिट करता है तो फिर आपका जो चैनल का बैनर ही देखता है। अगर आपका बैनर देखने में बहुत ही एक्टिव और प्रोफेशनल लगता है तो फिर आपका जो चैनल है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देता है। तो फिर आपको किस तरह से बैनर बनाना है सब कुछ इसके इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। बैनर बनाने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से पिक्सेल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना। जैसे ही बैनर ओपन करें तो फिर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज साइज के ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज पर क्लिक करने सिंपली आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल बैनर के ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो इसके लिए आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको कलर पर क्लिक कर देना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिले, तो फिर यहाँ से आप कोई भी कलर को ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको गेमिंग रिलेटिव बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। गेमिंग रिलेटिव बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। जैसे कि मैं अपना जो बैकग्राउंड को ऐड कर ले, तो और इस वीडियो में जितने भी मैं मेटेरियल यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको विथ को जो है इस तरह से आपको 100 कर देना है। 100 करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको लॉक कर देना। लॉक करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने लॉक पर क्लिक करें तो फिर ये जो है लॉक हो जाएगा। उसके बाद बैनर का जो टेम्पलेट है टेम्पलेट को ऐड कर लेना। टेम्पलेट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाए। उसके बाद सिंपली आपका जो भी टेम्पलेट है टेम्पलेट को ऐड कर लेना। अगर आप सही तरीके से टेम्पलेट को ऐड नहीं करते तो फिर आपका जो बैनर है सही तरीके से फिट नहीं करता। तो फिर इसलिए आपको सही तरीके से आपका जो टेम्पलेट है टेम्पलेट को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको कलर पर क्लिक कर देना है। उसको सिंपली इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिले, तो फिर यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेटिव साइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको विथ को इस तरह से आपको 100 कर देना है। 100 करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको भी लॉक कर देना। लॉक करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको लॉक पर क्लिक देना। लॉक पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपका जो भी यूट्यूब चैनल का जो लोगो है लोगो को ऐड कर लेना है। लोगो को ऐड करने के लिए फिर से आपको प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी लोगो है लोगो को ऐड कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ से एक PNG को ऐड कर लेता हूँ, तो फिर आपका जो भी लोगो है लोगो को ऐड कर लेना है। लोगो को ऐड करने के बाद इस तरह से आपको जो है एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्टॉक का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिले, तो फिर यहाँ से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। तो फिर सिंपली मैं व्हाइट ही ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करना देख सकते हो कुछ इस तरह से शेडो हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है। यहाँ पर आपको इस तरह से आपको दो लाइन दिखाई देगा, इसका अंदर ही आपको बैनर बनाना है। अगर आप इसका बाहर में बैनर बनाते हो तो फिर आपका जो मोबाइल है मोबाइल में सही तरीके से फिट नहीं होगा। तो फिर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको जो भी गेमिंग चैनल का नेम है सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के लिए सिंपली आपको ए पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने में सिंपली आपको न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के बाद सिंपली आपका जो भी यूट्यूब चैनल का नेम है सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेमिंग टैग।
लिखने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको नीचे फॉन्ट का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको फॉन्ट पर क्लिक करें। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट को देखने को मिल जाए, सिंपली ऐसे कोई भी फॉन्ट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको कलर पर क्लिक कर देना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए, सिंपली ऐसे कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसको सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्टॉप का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको स्टॉप पर क्लिक कर देना। उसको सिंपली इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ से आप सिंपली कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसको सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने सिंपली इसके जो है इस तरह से एडजस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, सेम इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर देना है। एग्जस्ट करने के बाद अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का इमेज को ऐड करना चाहते हो इसके लिए आपको सिंपली प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी इमेज है इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपली अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको कलर पर क्लिक कर देना। उसको सिंपली इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ से कोई भी कलर को ऐड कर सकते हो। उसको सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अगर आप नीचे कोई भी लिखना चाहते हो तो फिर बहुत इजीली लिख सकते हो। लिखने के लिए सिंपली आपको ए पर क्लिक देना, उसके बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको सिंपली न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलो मी या लिखने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका भी फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने में सिंपली आपको फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट को देखने को मिले, सिंपली ऐसे कोई भी फॉन्ट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिले तो फिर सिंपली ऐसे आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्टॉप का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको स्टॉप पर क्लिक करना है। उसको सिंपली इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको शेडो पर क्लिक कर देना। उसको सिंपली इसको भी एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको सिंपली आपको इस बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। जैसे फिर आप सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दो तो फिर ये जो है सेव हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आप अपने मोबाइल से बहुत ही इजीली गेमिंग रिलेटिव बैनर बना सकते हो।